वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मॉक टेस्ट नंबर सिक्स फोर्टी डेज फोर्टी मोक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज हमारा पार्ट सिक्स है जिसने भी अभी तक पहले पांच मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में विजिट करके वो पांच मॉक टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन रहते हैं नौ बजकर तीस मिनट पर सुबह ये अपलोड किए जाते हैं जो भी एक्सपे मास्टर नए जुड़े हैं अगर उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट चाहिए पटवारी जूनियर स्टेन फॉरस्टर जेके पुलिस जेके पी एस ए तहसीलदार के लिए इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग जनरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर सिक्स है फोर्टी डेज के मॉक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर एन अल्टरनेट नैम फॉर कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जो सिस्टम्स हैं जो नोड्स हैं वो कम्पलीटली इंटरकनेक्ट होंगे यानी एक दूसरे से दूसरा तीसरे से इस तरह जैसे फूड चैन का फूड वेब हो जाता है ना इंटरलिंक्ट होकर इसी तरह इंटरी इंटरकनिक नेटवर्क वाला टोपोलॉजी आपको बताना है मैश स्टार ट्री या रिंग जल्दी से आंसर करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मैश टोपोलॉजी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी क्या है बस टोपोलॉजी सिंपल अल्टरनेट सिस्टम है एक के बाद एक एक लाइन के ऊपर रिंग में बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं हब नहीं है सेंटर में रिंग और स्टार में ये फ़र्क है स्टार में सेंटर में एक हब है जो ब्रॉडकास्ट करता है सभी को मैसेज एक साथ में

परमानेंट स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज ड्रैम और रैम जो है ये रैम की दो टाइप्स होती हैं ये प्राइमरी है मोनीटर जो है एक किस्म का आउटपुट डिवाइस है मेमोरी डिवाइस नहीं है रैम इनपुट है हार्ड डिस्क यहाँ पर आंसर रहेगा सेकेंडरी डिवाइस है सेकेंडरी डिवाइस में आपको यहाँ पर एक नज़र डलवाता हूँ सेकेंडरी डिवाइस जो है मेनली तीन तरह की होती है मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड सोलिड स्टेट रिसेंटली क्वेश्चन इससे पूछा गया था सोलिड स्टेट के रिलेटेड तो यहाँ पर आपको बता दें मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क जो अभी क्वेश्चन में था फ्लॉपी डिस्क ये मैग्नेटिक मेमोरीज़ है ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी सीडी रोम डीवीडी रोम सीडी रीराइटेबल सीडी डी रिकॉर्डेबल जिसको वॉम भी कहते हैं राइट वंस रीड मैनी ब्लू रे डिस्क ये सारे ऑप्टिकल मेमरीज़ में आते हैं और सोलिड स्टेज में पेन ड्राइव जिसको फ्लैश ड्राइव कह सकते हो मेमोरी कार्ड ये सोलिड स्टेट स्टोरेज में आती हैं तो सेकेंडरी मेमोरीज के टाइप्स आप याद रख सकते हो नंबर सिस्टम पर मैंने कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किया आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कंप्यूटर के लेक्चर लेक्चर्स का लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था आपने बाइनरी से डेसिमल डेसिमल से बाइनरी बाइनरी से ओक्टल ओक्टल से बाइनरी करवाया लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि आपने हेक्साडेसिमल डेसीमल का कंसेप्ट नहीं दिया तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है एक दो चीज़ें डिफरेंट है मैं आपको आज इस एक क्वेश्चन में ही क्लियर करवा दूंगा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें यानी हेक्सागोनल को जब कन्वर्ट किया जाए बाइनरी में या बाइनरी में हैग्जोगल तो आपको जो सीजिस यूज करनी है वो है आपको वन टू फोर एट क्लियर है अब दूसरी बात आती है वन बी आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे कि बाइनरी में ए था नाइन्टी सेवन बी ऐसे करके था लेकिन यहाँ पर जो था यहाँ पर ए जो इज इक्वल टू होता है टेन के इसी तरह आगे चलते जाओगे तो बी हो जाएगा इलेवन सी ट्वेल्व अगर आपको डी पूछा जाए ए डी आपको पूछा जाए फाइव डी तो फाइव डी का आपको बताओ क्या निकलेगा हेक्सागोनल तो आप पहले डी का पता करो पाँच तो पता है आपको डी हो गया दस ए का दस बी का ग्यारह सी ऐसे करके आपको पता करना है अब आपके पास दो वोड है वन और बी दोनों का अलग अलग निकालना वन का बाइनरी पहले निकाल लो सॉरी वन का निकालने के लिए आपको वही सीरीज लिखनी है वन टू फोर एट आपको वन चाहिए तो सिर्फ उसके नीचे वन लिख दो बाकी के नीचे जीरो लिख दो तो ये आपका आ जाएगा बाइनरी नंबर ऑफ वन वन का आपको मिल गया अब आपने लिखना वन का क्या हुआ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जीरो 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 वन ये यहाँ लिख रहा हूँ जीरो 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 वन ये वन का निकल आया ठीक है वन का निकल आया अब आपको निकालना बी बी क्या है इलेवन मैंने कहा था ए या इस फील्ड हेक्सागोनल में ए को टेन कहते हैं आगे आप बढ़ते जाओ बी को इलेवन सी को ट्वेल्व तो यहाँ बी है तो इलेवन इलेवन का कैसे आएगा वही आपने सीरीज लिखना है वन टू फोर एट अब इलेवन कैसे बनेगा इसमें आठ और दो दस और एक ग्यारह जो बा नहीं के लेना हमने उसके नीचे जीरो लिख दो तो ये इलेवन का हमारे पास आ जाता है वन जीरो तो आपका ओवरऑल क्या निकला दोनों को प्लस करें जीरो 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 वन वन तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर रहेगा होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर ये सोल्यूशन आपके सामने लिखी हुई है आप कहो तो जल्दी से मैं एक बार फिर से बता दूँ यहाँ पर हेक्सागोनल केस में ए को टेन कहते हैं बी को इलेवन सी को आगे बढ़ सकते हो सो वन लेकिन अब क्वेश्चन में हमारे वन बी था वन बी था इसलिए हम बी तक लेते हैं एलेवन पहले वन का आपने निकालना है वन का कैसे वही ही सीरीज लिखोगे वन टू फोर एट इसमें सिर्फ हमने वन के नीचे वन लिखना क्योंकि हमें सिर्फ वन चाहिए है बाकी जो बाज के उसके जीरो जीरो निकल लिखेंगे तो आपका हमारा वन का आ जाएगा जीरो 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 वन अब आपको निकालना है इलेवन का तो वही वन टू फोर एट लिखोगे तो इलेवन के लिए हमें आठ प्लस दो दस और एक ग्यारह लेना है तो इसका जो बच गया उसके नीचे जीरो तो वन जीरो वन वन आपका आ जाएगा दोनों को प्लस करो तो दोनों को प्लस करो तो आंसर आपका निकल आएगा क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक मैंने पहले भी आपको बताया था आप याद नहीं करते हो इसीलिए मैं बीच में दो तीन क्वेश्चन रिपीट करता हूं ताकि रिवीजन आपके हो जाए जिसने पहले नहीं याद किया अभी लास्ट मौका है आपके पास इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक जल्दी से आंसर करें मार्क जकरबर्ग जो है इसका आंसर रहेगा यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं याद कर लो जल्दी से गूगल के डेवलपर का नाम ओनर का नाम लैरी पेज फेसबुक के मकर मार्क जकरबर्ग इंस्टाग्राम के केविन सिस्टम स्टोम याहू का जैरी यंग ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं जैक डोरसे ने डेवलप किया था यूट्यूब का जावेद करीम का जॉन कॉम जो है इसका रहेगा डेवलपर तो जी आपने याद रखने हैं अभी क्या याद कर लो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग आर्डर ऑफ डाटा हिरार डाटा हिरार छोटे से बड़े की तरफ आपने बताना है तो सबसे छोटा तो बिट होता है ये बाइट वाला आप आर्डर दो ये दोनों फील्ड वाला भी काट दो अब बिट के बाद बाइट होता है उसके बाद जो है क्या होता है वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटा बेस इसकी सिक्वेंस है ये आपने याद रखनी है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड डाट न, फाइल डाटा बेस रिकॉर्ड फाइल डाटा बेस र एफ डी एफ डी सा लास्ट पे आएगा एफ डी फाइल डाटा बेस फाइल लास्ट पे डाटा बेस आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स द लैंग्वेज विच इज यूज टू बिल्ड द इंटरनेट पेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंटरनेट पेजेस या वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है अब वो लैंग्वेज है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल तो अब थोड़ा सा एडवांस भी हो गया डी एच टी एम एल भी आ गया यहाँ पर तो दोनों याद रखना एच टी एम एल और डी एच टी एम एल क्वेश्चन नंबर सेवन इन ऑर्डर टू चेक द स्पेलिंग आपको ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है सबको आता है तो ऐसा ना हो मैं आपको थोड़ा एडवांस पे ले जाऊं और पीछे बेसिक आपको भूल जाए चार से पांच क्वेश्चन सिंपल से आते हैं वही ना आपको आए इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को साथ में ले रहा हूँ इस पर एडवांस का भी करवा रहा हूँ बेसिक का भी साथ में रख रहा हूँ तो स्पेल चेक के लिए एफ़ सेवन की का यूज़ किया जाता है स्पेल चेक के लिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले फंक्शन की से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर सभी फंक्शन कीज़ आपको बता रहा हूँ सभी फंक्शन कीज़ आपको बता रहा हूँ जैसे कि एफ वन हेल्प के लिए यूज़ होता है एफ़ टू री रीलोड के लिए एफ़ थ्री सर्चिंग के लिए एफ़ फोर शट डाउन या क्लोज के लिए एफ़ फाइव रिफ्रेश या स्लाइड शो के लिए एफ़ सिक्स हाईलाइट एड्रेस बार एफ़ सेवन स्पेल चेक ग्रामर चेक के लिए जो कलर में किया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफ़ इलेवन फुल स्क्रीन व्यू के लिए फुल स्क्रीन व्यू के लिए और एफ़ ट्वेल्व सेव एज़ यानी किसी नए नाम से फाइल को सेव करना है तो सेव एज या नई लोकेशन पे सेव करना है तो एफ़ ट्वेल्व के थ्रू आप सेव एज कर सकते हो तो ये एफ़ इलेवन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है फुल स्क्रीन व्यू तो ये एफ़ यानी फंक्शन की जो आपको याद रखनी है हेल्प का पूछा गया था स्पेल चेक का पूछा जाता है शट डाउन को पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर एट की तरफ पढ़ते हैं विच की इज यूज टू पेज द सेलेक्टेड टेक्स सेलेक्टेड टेक्स को पेस्ट करें तो पेस्ट के लिए बेसिक है पेस्ट के लिए कंट्रोल कंट्रोल वी की जो है वो प्रेस की जाती है देखो आप कहोगे फिर से ये आप हमें आता है फिर भी मैं एक बार वाइज करवा दूँ शार्टकट कीटेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलेक्ट आल वी बोल्ड सी कापी ठीक है आई अटैलिक के हाइपर लिंक एंड न्यू डॉक्यूमेंट ओ ओपन पी प्रिंट एस सेव यू इतना आपको पता है ओके तो ये याद कर लो ये वाली वी <coughs> से पेश डब्ल्यू से क्लोज एक्स से कट एक्स से कट ठीक है w से X से क्लोज एक्स कट उल्टा नहीं करना एक्स हो गया कट कट ठीक है डब्ल्यू से क्लोज वाई से रीडू जेड से अंडू जेड से अंडू जेड से, से अंडू और टेक्स अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट कीज हैं एल से लेफ्ट आर से राइट ई e से सेंटर यहाँ पर ई e पूछा जाता है क्योंकि यहाँ सी से सेंटर नहीं है सी से क्योंकि कॉपी होता है ई e से सेंटर टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करना है तो कंट्रोल ई e, और जे से जस्टिफाई तो ये अलाइनमेंट्स के चार तरह की अलाइनमेंट्स होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई तो ये इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको मैंने यहाँ पर बता दी क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं इन द मैक एम ए सी मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर मैक इज एन एकोनाइम फॉर विच इज द फॉलोइंग तो मैक की फुल फॉर्म पूछी गई एम एस सी की इट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल यहां पर ए इसका आंसर रहने वाला है तो हर एक क्विक रिवीजन में आपको थोड़े थोड़े से मैं शॉर्टकट कीज भी याद करवाता हूं इस बार भी आठ दस जो शॉर्टकट कीज हैं एक नजर लगा लो जल्दी से -C -C ए एस सी डबल आई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बी सी सी ई मेल्स के अंदर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी अगर सी सी पूछे गया कार्बन कॉपी पी सी सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी सी, -सी, सी, सी ए डी कंप्यूटर एडी डिजाइन डायमिक हाइपटेक्स मार्कअप लैंग्वेज डी एन एस डोमेन नेम सिस्टम डी पी आई डॉट्स पर इंच एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फ्लॉप्स जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जी आई एफ होता है इमेज के लिए यूज होता है जी आई एफ इमेज होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉरमेट ग्राफिकल यूजर इंटरवेजी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ते हैं माइक्रोफोन किस तरह की डिवाइस है इनपुट आउटपुट स्टोरेज नेटवर्क माइक्रोफोन माइक्रोफोन जो है ये एक इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन अगर आपको स्पीकर पूछा जाता तो वो आउटपुट होती ठीक है लेकिन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस जो भी हैं आपके सामने हैं ये आप नज़र लगा सकते हो कीबोर्ड बोर्ड मो जाय लाइट पेन ट्रैक स्कैनर ग्राफिक टेबलेट माइक्रोफोन मैग एम अम, एम आई सी आर ओ सी आर बारकोड रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकोगशन क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यू आर कोड जो होता है ये सारे इनपुट डिवाइसिस हैं ओके ओके तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके सामने है ई मेल के ऊपर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू fill इन द ब्लैंक्स पहली डैश में आपने बताना क्या आएगा डैश इज़ यूज टू मीन दैट द कापी ऑफ द मीमो विल गो टू द पर्सन मैंशन जिसको मैंशन है उसको जाएगा तो इसमें क्या आएगा और दूसरे में आएगा डैश गोज़ टू तो द पर्सन हु मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व बट शुड हु शुड नो वट इज़ गोइंग ऑन तो यहाँ पर यहाँ पर पहले केस में आएगा कार्बन कापी और दूसरे केस में आएगा ब्लाइंड कार्बन कापी तो यहाँ पर कार्बन कापी और ब्लाइंड कार्बन कापी जो है ये ए आंसर रहेगा यहाँ पर लास्ट पे कापी आएगा कार्बन कापी पहले में और दूसरे में ब्लाइंड कार्बन कापी यहाँ पर आंसर रहने वाला है क्वेश्चन ट्वेल्व विच द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन 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 की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क इसका आंसर रहेगा जल्दी से नज़र लगाएंगे हालांकि आपको आती होंगी फिर भी एक नज़र जल्दी से लगा लो इस पे लगा लो एक नजर जल्दी से पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया एरिया नेटवर्क नेटवर्क मैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क वीपीएन विचुअल प्राइवेट नेटवर्क वैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इंटरनेट के रिलेटेड तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ विच डिवाइस यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन इन द इंटरनेट इंटरनेट में ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन कौन इस यहाँ पर यूज़ करता है तो इसका राइट right आंसर रहने वाला है रूटर राइट आंसर रहेगा ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो रूटर परफॉर्म करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच इनपुट डिवाइस इज यूज बाई बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स के लिए बैंक्स में जो यूज होती हो है इनपुट डिवाइस आप सबको पता होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगशन यूज होती है एम आई सी आर इसका राइट आंसर रहेगा फिफ्टीन क्वेश्चन आपके सामने है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तीन होते हैं हाई लेवल मशीन में कन्वर्ट करने वाला जो एट वंस एक ही बार में तो इसको कहते हैं हम कंपाइलर कम्पाइलर तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ असम्बलर कंपायलर और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है असम्बली कन्वर्ट कर असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कम्पायलर और इंटरप्रेटर दोनों कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में लेकिन कंपाइलर एट वंस एक ही बार में और इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है तो ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये हमारे नोट्स हैं जो कि कंप्यूटर के बनाए गए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप का नंबर स्टार्टिंग और एंड में दिया हुआ है आप वहाँ से कंटेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है फ्लैट स्क्रीन स्क्रीन जो होती है आउटपुट है स्कैनर एल एल सी डी आउटपुट है प्लाटर आउटपुट है स्कैनर सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा क्योंकि स्कैनर जो होती है वो इनपुट होती है आउटपुट आपको याद रखनी है मोनीटर हो गया प्रिंटर हो गया हेडफोन स्पीकर प्रोजेक्टर प्लाटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं इनमें कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिन विच एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट जैसे कि मॉडर्न नेटवर्क का टच स्क्रीन हैंडसेट फैक्स फैसीमाइल मशीन जो होती है ऑडियो कार्ड साउंड कार्ड ये जो डिवाइसेस हैं विच एक्ट एज बहुत द इनपुट एंड आउटपुट तो ये आपने साथ में याद रखना है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुशीज ई मेल मैसेज टू द सर्वर ये मैंने आपको पहले बताया रिविजन के लिए फिर से ऐड कर रहा कराऊँ तो मैसेज सेंड करने के लिए पो, पो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है और रिसीव सॉरी रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या है पुशीज़ पुशीज़ है पुशीज होता है सेंड सॉरी हेयर इज़ पुशीज मेल मैसेज टू द सर्वर तो यहाँ एस एम टी पी आएगा मेल सर्वर ट्रांसफर अगर रिसीविंग आता तो पोप आंसर रहता है पुशिंग होता है सेंड करना सेंड के लिए एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर एटीन विच इज शॉर्टकट की टू प्रेस टू प्रेस टू क्रिएट अ राइट सिंबल कॉपीराइट सिंबल होता है यह ऐसे वाला ऐसे वाला जो सिंबल होता है कॉपी राइट सिंबल इसको इंसर्ट करना है आपको उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ होगी तो इसका राइट right आंसर रहेगा आपका जो कॉपीराइट सिंबल के लिए यूज़ होती है शॉर्टकट की वो होती है आर प्लस कंट्रोल प्लस सी आर प्लस कंट्रोल प्लस सी इसका राइट right आंसर रहने वाला है थोड़ा सा आग, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जैसे कि कॉपीराइट के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस सी यूज़ होता है और रुपी सिंबल जो आपके सामने जो रुपी सिंबल है रुपी सिंबल के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस फोर या कंट्रोल प्लस आर प्लस आर ठीक है आर से रुपी और सी से कॉपीराइट ठीक है ये आपने यूज़ करना है आर प्लस कंट्रोल या कंट्रोल प्लस आर ए की बात है तो यहां कंट्रोल प्लस प्लस सी या कंट्रोल प्लस आल प्लस आर जो है वो दोनों याद रखने हैं आपको अब बात आती है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सुपर होता है जैसे कि ये टू का हो गया सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि बी टू ये नीचे की तरह ये हो गया सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में फॉर्म सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ठीक है यानी इस तरह से भी लिख सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस तो वही बात है जी यानी करना आपको के कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस तीन चीज़ें प्रेस करनी है तो इस तरह से लिखते हैं इसको और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस के साथ इजिकल टू साइन आपने लगाना है कंट्रोल प्लस इजिकल टू साइन तो ये आपको याद रखना है प्रिंट प्रिव्यू ये आपने जो लिखा है वो आप देखना चाह रहे हो कि प्रिंट के टाइम कैसा दिखेगा तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू शार्ट करना पड़ता है और इसके लिए शार्टकट की है आपको कंट्रोल प्लस एफ़ टू करोगे आपको चेक हो जाएगी हाँ भाई शीट में इतना इतना, इतना आपको प्रिंट आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे ए फोर साइज़ का आपको दिखेगा डेट एम एस वर्ड में अगर इंटर करनी है तो आर प्लस शिफ्ट प्लस डी और टाइम के लिए आर प्लस शिफ्ट प्लस टी यूज़ होगा लेकिन अगर हम एक्टिव सेल के अंदर एम एक्सल के एक्टिव सेल के अंदर आपको डेट इंसर्ट करनी है या टाइम इंसर्ट करना है उसके लिए टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकलॉन और डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमिकलॉन शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी और अगर आपको स्क्रीन लेना है एक राइट हैंड पर आपको एक बटन मिलेगा प्रिंट स्क्रीन की जो है उसको आपने प्रेस करना है विंडोज़ के साथ भी प्रेस कर सकते हो तो आपको विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन की जो होगी साइड पे उसको प्रेस करना है अगर आपको कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना ये आपने टेक्स्ट स्लाइड सेलेक्ट कर दिया अब आप चाह रहे उसको साइज बढ़ाना है शॉर्टकट क्यों तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ये जो क्लोज एरो है ये साइज को इंक्रीज करने के लिए और जो ओपन एरो ब्रैकेट है वो कम करने के लिए यूज़ होगा ठीक है तो ये शॉर्टकट की है साइज़ को बढ़ाने के लिए वन पॉइंट हर एक क्लिक पे एक पॉइंट बढ़ेगा कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से बढ़ेगा और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट से कम होगा एक पॉइंट साइज़ डिलीट करना किसी चीज़ को परमानेंटली कि वो पीछे यहाँ पर कहीं पर पड़ी ना रहे डस्टबिन में तो इस कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस करोगे रिबूट या रीस्टार्ट करना है सिस्टम को कंट्रोल प्लस आर प्लस डेल डिलीट का बटन यूज़ करोगे तो आपको रिबूट या रीस्टार्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी गई थी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टैब जो है स्विच बिटवीन द डिफरेंट ओपन जो प्रेजेंटेशन ओपन प्रेजेंटेशन या ओपन जो भी आपके शीट्स हैं उनमें आपने शिफ्ट करना एक से दूसरे में तो आप कंट्रोल प्लस टैब का की जो है वो प्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ बढ़ते हैं ये मैंने रखा है ताकि आपको देखते हैं कि अभी जो मैंने बताया वो याद रहेगा कि नहीं सुपरस्क्रिप्ट के लिए करैक्टर को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है जल्दी सी तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से आंसर करें सुपर स्क्रिप्ट के लिए आ, कंट्रोल प्लस शिफ प्लस प्लस शॉर्टकट की रहेगी अगर सब स्क्रिप्ट का पूछा जाता है तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए है सब स्क्रिप्ट के लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बाद ट्वेंटी की तरफ बढ़ते हैं द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डिवेल्ड फ्रॉम द कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ इंटरनेट का तो बहुत बेसिक है इसका ओरिजिन होता है आरपानेट से और आरपानेट की फुल फॉर्म है यहाँ एडवांस रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो भी एस्पिरेंट जे पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको कंप्लीट कोर्स नोट्स एम सी क्यू वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल एग्जाम वरेंटी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिए इस पर कंटैक्ट कर सकते हैं इसके अलावा पटवारी जूनियर असिस्टेंट अदर एग्जाम के लिए भी आपको एग्जाम वरेंटीन नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आज के बीच में से कितने करेक्ट हुए कमेंट जरूर किया करो कमेंट्स अच्छा लगता है और लाइक भी ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचाने की थैंक यू फॉर वॉचिंग